मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन थाने में तैनात एक दरोगा पर मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर 30,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है, जिसमें शिकायत मिलने के बाद एसएसपी अमित पाठक ने दरोगा के खिलाफ मुकदमा लिखाकर गिरफ्तार करा दिया। इस पूरे प्रकरण से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरोगा 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। जानकारी के मुताबिक कांट रोड पर कोसमोस अस्पताल के सामने कांवड़ियों का एक कार ने टक्कर मार दी थी। कार अगवानपुर के युवकों की थी, उसमें सवार युवकों की भीड़ ने पिटाई कर दी थी। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना आशियाना पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा अभिनव देशवाल कर रहे हैं। मामले में सूरजपाल सिंह निवासी प्रेमनगर थाना सिविल लाइन के बेचे के नाम पर भी सामने आए थे। आरोप है कि दरोगा ने सूरजपाल सिंह के मुकदमे में से अपने बेटों के नाम निकलवाने की कोशिश की तो उन्होंने 30,000 रुपए की मांग करनी शुरू कर दी। सूरजपाल सिंह के मुताबिक उनके बेटों का घटना से कोई लेना देना नहीं है। सूरजपाल ने परेशान होकर रिश्वत मांगने की वीडियो बनाकर एसएसपी को सौंप दी। एसएसपी अमित पाठक ने मामले की जांच कराकर आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा लिखाकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दरोगा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पंजीकृत किया गया है। हाँ, जो सही बात हो वही बताना, फालतू बात नहीं। अगली बात क्यों करते हो तुम, फालतू बात मत करो, जो जायज बात है। ना ना, अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा भरोसा है तो बताओ, मुझे नहीं है तो बताओ। अरे आप एक मिनट रुक तो जाओ, अगली बात मत करो फालतू बात। अरे सुनिए सही, आप मेरी बात सुनो, गांव में भी यही भड़का रहे हो, थोड़ा बेवकूफ। मिलना मुझे, फाइनल कर दूंगा आज तो तेरा। आप ऐसी बातें मत करो, नहीं, नहीं, नहीं। आप मुझे बताओ, चलो छोड़ो, आप मुझे बताओ, मैं तो उन्हें पहुंचवा दी थी, अगर नहीं है तो मैं करवा दूंगा। और बताओ आप मुझे कैसे करना है, बताओ वकील साहब, बता दो। अरे उसकी छोड़ो ना, इतनी अकल होती तो ऐसे होता ही क्यों, आप बताओ मुझे क्या करना, मैं करवा दे रहा हूँ, बताओ। और वीडियो है मेरे पास। हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप भी नजायज थोड़ी कह रहे हो, गलत थोड़ी कह रहे हो, आप बताओ मुझे। इसका भाई एक और भी तो है, इसका भाई हाँ विक्की, नहीं विक्की से दूसरा अशोक, अशोक अशोक, उसका तो नाम का है ना वीडियो। हाँ हाँ, विक्की वीडियो में है। हाँ तो ये तीन है नाम, इसे करवा दो आप, जैसे भी मुझे बता दो आप। नमस्ते बेटा, भाभी नमस्ते, बताओ खत्म करो, मुझे बताओ, वो तो बेवकूफ है, उसका अकल नाम चीज नहीं है, इसे अकल होती तो। अरे रुको सही, आप बात खत्म करके जाओ, बात खत्म करेंगे उठा के छुट्टी करते हैं तीनों के लिए। हाँ जो भी दो तीन है वो 20 करवा दो, बात खत्म करो, मैं दिलवा रहा हूँ 20 की बात करो, तीन लोग हैं अपने पार्टी का, इतना तो ऐसा ना कहेंगे, इतना तो मान रखेंगे, करो उनसे बात, मैं दिलवा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूँ अपने बात सुनूंगा, बात खत्म होगा। देखो विक्रांत भाई, मेरा आपसे कोई भी वो नहीं है, मतलब जी, हमारी पहले मीटिंग है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारी पहली मीटिंग है, उसमें थोड़ा सहयोग करो आप, अपना काम करता विचार में बिल्कुल करता है। ये जब इन्होंने बुलवा लिया था, ये क्या तरीका था इसका? अगर हर आदमी के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, है या नहीं है, जो आपका सिपाही होगा उसके बात करने का अखलाक ही कुछ और होगा, आपके एसपी साहब के अखलाक कुछ और हैं, हर किसी का अपने अपने तरीका होता है, उसके गंवार आदमी अगर उसके अंदर इतनी बुद्धि होती तो बात ही कहती, तो परेशानी क्यों होता फ्री है? नहीं नहीं, फिर कल को आपकी बात ना मानना, फिर क्या? मैं दे रहा हूँ ना, मैं आपसे बात खत्म कर रहा हूँ, मैं दूंगा जो भी दूंगा, बात करूंगा आप मुझे कल तक का टाइम दे दो, 20 कर पा रहा हूँ, बस बात खत्म, इतना मेरा मान रख लो आप। ना 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 ना, फिर कैसे होगी, इतना मेरा मान रख लो, इतनी मेरी बात कर लो, 20 करवा दो, बात करता हूँ। और ऐसे गवार आदमी या थोड़ी तो हमारी भी रखेंगे शायद, देखा जी कहाँ बिलोंग करता आप? मुझे चलो तो भाषा से ही समझ गया था, तो इतने एरोगेंट नहीं होना चाहिए, हर इंसान को थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए, समाज है, इतनी बड़ी बात नहीं है। और आगे बात देखो, आपकी और मेरी मुलाकात नहीं थी, ठीक है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई ऐसे लोगों की वजह से मेरा छोड़ो, आप तो बेवकूफ गंवार लोग हैं बेचारे, ठीक है, ये कार्ड है मेरा, कार्ड रखो, कोई मेरे लायक कभी भी काम हो किसी का मुझे बताओ, हम आपस में नहीं काम आओगे और कौन आओगे, बस कार्ड रख लो आप, नहीं नहीं इतना अंतर नहीं होता, उन्हें चाहिए
कितने देर रखे? वो तो छोड़ो, आप वो खत्म करो बात, जो हो गई हो गई, खत्म करो बात को। नहीं जानकारी तो होगा ना मुझे। अरे काम से मतलब है, दूसरे क्या मतलब है ये बताओ। वो तो मेरे नाम के जा रहे ना, इसलिए है मतलब, अदरवाइज और खत्म हो गई ना वो। आपसे जा रहे हैं उनका तो जिक्र नहीं करे मैंने, बताओ मेरे रिगार्डिंग जा रही है, इसलिए तो मुझे जानकारी। तो अब आप इतना मान रख लो मेरी बात का, मैं 20 करवा दूंगा आपको, इतना रख लोगे? नहीं कर सकते हो 20? नहीं। तो फिर मेरी बात का मान क्या हुआ ये बताओ मुझे। मान तो मैं इन्हें जेल भेजने की इच्छा है, ईमानदारी की बात बताओ। अरे तो मैं आपका मान ये रख रहा हूँ, इनके लिए बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो थोड़ा सा और रख लो आप, 20 करवा दूंगा, इतना मान लो। ना ना नहीं, इतना कम नहीं है फिर। अरे यो वहाँ भी तो गया था सीओ साहब के वहाँ पे, वो तो जाँच आई थी वहाँ पे। हाँ बुलवाया होगा इन्होंने, उन्होंने बुलवाया था। था आज भी गए थे लोग, वो पंकज लेके गया था। हाँ जो भी गए थे गांव वाले जावे प्रधान ले, फिर वो पंकज लेके गया था आज। तो ये अपने मैं आपसे पूरे गांव के लिए नहीं कह रहा, सुनो सुनो, तीन सुनो, लोग हैं सुनो। हाँ। ये खूब एमएलए के यहाँ जा लिए, एमपी के यहाँ जा लिए, इन्होंने प्रार्थना पत्र दे लिया, कप्तान साहब के यहाँ जा लिए, डीएम साहब के यहाँ जा लिए, अधिकारियों को थोड़े कहते हैं कि ना भाई नामजद को निकाल दो आप, क्या जिसने गलत करा पुलिस के सामने, पुलिस को पुलिस नहीं समझोगे तो फिर तो मुकदमा लिखे ही जाएगा, इस तरह थोड़े कहता है कि भाई हाँ गलत तुम्हें न जेल में भेजो जो नामजद। मैं बीच में बात कर रहा हूँ तो मुझे कर लेना, नहीं तो अपने हिसाब से बात कर लेना। ये है तो बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ आपसे, इतना रख लो आप मान, इतना और कुछ नहीं है। हाँ कितने दे दिया आपने वही तो जानो, तो खत्म कर दो पता मुझे, आप ना बताओ ना क्या मुझे पता चल रहा। तो बस फिर खत्म कर दो ना बात को, ये चीज तो डिस्कस होने लायक ही नहीं है, है ना, अशोभनीय चीज है, इसको खत्म करो आप बात को, जो भी। तो इतने बड़े भाई मेरी रख लो आप बात को। नहीं मैं नहीं, वकील साहब को बता दिया, उतने तीन आदमी को उतने चाहिए यार, मैं इंस्पेक्टर को जवाब दूंगा। 30 में 20 में कितना अंतर रह रहा है, इतना मेरी बात के लिए नहीं कर सकते ना। ना ना तो बाकी तो वीडियो में नहीं है, वीडियो में तो एक ही बेचारा। चलो दो के दे दो, उसे मैं उठा लूंगा। क्या नाम है आपका? सूरत पहले किसकी शिकायत की थी और क्यों की थी आपने? वही कमरे का झगड़ा हुआ, मतलब फिर इधर देख 27 तारीख का उठा नाम था, हमारे बाला के घर पर सो रहे हैं अभी, नीचे कर रहे हैं रुक दो रे। अच्छा अभी हम अपने बयान में मान मन नाम दे दो नंबर के हमारे। अच्छा दरोगा जी ने क्या डिमांड की थी आपसे? पैसे, कितने पैसों की थी? 3000 की। फिर इसकी शिकायत आपने किससे की? इसकी शिकायत किससे की आपने? कप्तान साहब से करी। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अब देखो वो जो भी होगा। मेरा नाम असुब सैनी है, प्रेमनगर कांट रोड का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद। हमारे संग 27/7 को कांवरियों में कोई गाड़ी अज्ञात घुस गई थी उसमें, मनोज थोड़ी तो उसमें जो है ना उनका कंप्रोमाइज़ हो गया, वो चले गए। दरोगा जी अर्जुन त्यागी जी ने हमारे नाम दर्ज कर दिए थे, जिसमें वो जिनके नाम दर्ज करे जो वहाँ पे है नहीं, जिन लड़कों ने तोड़ा फोड़ी करी उन्होंने पैसे लेके नाम निकाल दिया उनका, और जिन्होंने नहीं करी उनसे डिमांड करी जा रही है पैसे दो आप, और 33,000 रुपये मांग रहे हैं एक लड़के से, 10,000 रुपये। हम तीन लड़के थे, 3 से 30,000 रुपये मांगे, उसमें हमसे नहीं हो पाए तो हमने दरोगा जी की, अभिनंदन देसवाल जी जो आयु हैं हमारे, उन्होंने जांच करी, हमने उनकी वीडियोग्राफी कर ली, उसके बाद में हमने कप्तान साहब को पेश करी, कप्तान साहब ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, सस्पेंड कर दिया है और जेल मुकदमा दर्ज कर रहे हैं हमारे। तो गिरफ्तार कर लिया पुलिस? गिरफ्तार ने कर लिया था रात ही। कितने रुपए की डिमांड की थी आपसे? उन्होंने करी थी हमसे 30,000 की डिमांड, जो हम पे हो नहीं पाई, हमने 20 से 22,000 रुपये तक उनसे कह दिया था, मगर वो कह रहे थे हम 30,000 से नीचे नहीं लेते हैं। कितने लोग थे सब आप उसमें? हमारे सिर्फ 3 आदमी थे हम। विक्रांत जी क्या मामला है जो कहकर अपने द्वारा एक वीडियो बनाई गई वायरल की? जी मेरे द्वारा बनाई गई थी। मैं एक्चुअली बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष हूँ और इस क्षेत्र का सेक्टर संयोजक भी रहा हूँ विधानसभा में, और ये मेरे क्षेत्र के ही लोग हैं, प्रेमनगर गांव पड़ता है। प्रेमनगर में 27 तारीख को घटना ये हुई थी, वहाँ से कोई वैन निकल रही थी, कार निकल रही थी, वो कांवर में लग गई, तो कांवरियों ने उसको वैन को तोड़ा फोड़ा, जो भी था इस रे केस था। लेकिन ये क्षेत्र के दरोगा जी थे मिस्टर देशवाल जी, इन्होंने पता नहीं किस तरीके कैसे करके लीगल इलीगल लोगों के नाम लिख दिए उसमें। अब डेली सभी लोगों को आए दिन धमकी दी जा रही है, 8-10 लोग उसमें पैसे दे भी चुके हैं कि भाई जो है 10,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के दोगे तो ठीक है, वरना तुम्हारा नाम जो है लिख देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तुम्हें जेल में भेज देंगे। इस तरीके सब लोगों को डराया धमकाया जाता रहा, मैंने भेज भी दिया शायद, हाँ भेज भी दिया, और किसी के घर में रात में दबिश दी जा रही है, महिला पुलिस लेकर के दबिश दी जा रही है, 11-12 साल का बच्चा 2 महीने से कूदना पड़ा उसको, ये मतलब इतना मेंटल टॉर्चर सभी लोगों को कर दिया।
तो पुलिस प्रशासन से इसके लिए मदद मांगी गई। जैसे देशवाल जी से मैंने बात करी, मैंने कहा सर इस तरीके से इलीगली लोगों को परेशान ना करें, तो आप मत बोलो भैया, उन्होंने जो है डिनाई कर दिया उस चीज़ के लिए। लोगों को लगातार बार बार फ़ोन करते चले जा रहे थे, फ़ोन करते चले जा रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, डील कर लो, डील कर लो। उसी में ये जो इसमें वादी है, जो जिसका नाम उसने केस दर्ज कर रखा है, उसका बड़ा भाई ये सुभाष है, ये भी अपनी पार्टी में ही बूथ अध्यक्ष है। इसके पास उसका एक उनके देशवाल जी के एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि आशियाना में यहाँ पर हम बैठे हैं, आशियाना फेज सेकंड में, और यहाँ पर आ जाओ, इस मैटर को जो है पैसे ले दवा के डील कर लो। हम वहाँ पर गए, हमने उनसे बात करी देशवाल जी से कि नमस्कार साहब, और ये जो है किसी वीडियो में नहीं है, इन्होंने ये अपने घर पे सो रहे थे। तो तुरंत तुनक मिजाज में उठ गए, बोले ठीक है तो फिर मैं इसको जेल ही भेजता हूँ, जेल ही भेजता हूँ, जेल ही भेजता हूँ। लेकिन क्योंकि उनका मैसेज पहले हमें मिल चुका था कि 10,000 रुपये पर है हर व्यक्ति के पे करने हैं, तो फिर मैंने उनको रोका। मैंने फिर उस टाइम वीडियो बनाने की शुरू कर ली थी, मैंने कहा आप बताइए आप क्या चाह रहे हैं, तो बोले 30,000 रुपये 30,000 रुपये। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी में बुलाया, उन्होंने गाड़ी में बैठ कर मैंने बात करी, तो मैंने वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो में मैटर होना चाहिए, मैंने उनसे डिस्कशन करा इस पे। मैंने सर गरीब आदमी है, थोड़ा सा इसमें रियायत कर दीजिए, कुछ कम हो सकता हो कम कर दीजिए। मैंने कहा 15 कर दीजिए, 20 कर लीजिए। बोले नहीं नहीं मुझे 30 ही चाहिए, तुम DM पे चले जाओ तब भी काम मैं ही करके दूँगा, किसी पर भी चले जाइए। तो उन्होंने वही 30,000 रुपये की डिमांड करी, उसके लिए कुछ समय दिया, बस इसलिए कुछ बना ली मैंने। उसके बाद आपने क्या एंटी करप्शन वालों से संपर्क किया? मैंने उसके बाद आदरणीय SSP साहब से संपर्क करा और उनका पूरा सहयोग इस चीज़ में मिला। उन्होंने कहा जो भी इसके लिए इसमें गलत है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, और मैं समझता हूँ शायद कार्रवाई उन्होंने करी है, इसमें चल जाएगा। पूरा सहयोग SSP साहब का इसमें रहा है। नगर सर एक कहते हैं दरोगा पे रिश्वत लेने का आरोप लगा, विवेचना में नाम निकालने का आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला? ये थाना सिविल लाइन में एक अपराध संख्या 715/19 दर्ज कराया गया था, जिसमें एक वेचक उपनिरीक्षक आशियाना चौकी क्षेत्र से थे अभिनव देशवाल, इनके द्वारा उस मुकदमे में 3 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए उस पक्ष को धमकाया गया। उस पक्ष से 30,000 रुपये 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मांग की गई और उनको अदरवाइज़ जेल भेजने की धमकी दी। ये सूचना मुझे पता चली और मुझे उससे जुड़े कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए कल, जब तो मेरे द्वारा जांच कराया गया, प्रथम दृष्टया सूचना सही पाई गई और इसी क्रम में थाना सिविल लाइन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की रेलिवेंट सेक्शंस में FIR दर्ज करते हुए आज संबंधित उपनिरीक्षक को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें शाम तक मेरे सामने सारी एक डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, तब उनके खिलाफ हम लोग फर्दर एक्शन लेंगे। क्या मामला था जिसमें से लोगों के नाम निकालने की बात की? जो मुकदमा था कुछ दिन पहले वहाँ पर सड़क पर मारपीट और तोड़फोड़ का एक मुकदमा था, जिसमें जो स्थानीय गाँव प्रेमनगर जो पड़ता है वहाँ के कुछ लोगों के नाम उसमें आए थे, तो अनुचित तरीके से दबाव पर आते हुए इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर उन लोगों को बचाना है तो हमको 10,000 रुपये के हिसाब से दीजिए, और इसके अच्छे साक्ष्य जब उपलब्ध कराए गए तो फिर ये इंक्वायरी में जो बातें सामने आई उसी के परिणाम स्वरूप ये आज मुकदमा लिखाया गया और उनको जेल भेजा गया। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।